हाय, दिस इज़ तुषार। टुडे आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग। क्या आप अपने दिल की बात सुनते हो क्या? मीन्स कई बार आपको कोई काम करने को कहा जाता है, बट आपका मन वो काम करने के लिए नहीं मानता, क्योंकि आपका मन ये जानता है कि यार ये चीज़ गलत है। और कई बार आप कोई काम नहीं करते हो, बट मन कहता है कि यार मुझे ये काम करना चाहिए। आज इसी को सीखेंगे। इसको एवरीवन इंट्यूशन कहा जाता है, ठीक है? मीन्स अंदर से जो चीज़ कुछ करने के लिए कह रही है ना, दैट इज योर इंट्यूशन। ये इंट्यूटिव फीलिंग कहलाती है और इस चीज़ को इंट्यूशन कहा जाता है, ठीक है? लाइक आई कैन से दैट आई ऑलवेज लिसन टू माई इंट्यूशन। मैं हमेशा अपने जो इंट्यूशन ना, जो अंदर की फीलिंग है, उसे मैं सुनता हूँ। आई ऑलवेज अलाउ माई इंट्यूशन टू गाइड मी। मैं हमेशा जो मेरा इंट्यूशन, उसे मैं अपने आपको गाइड करने देता हूँ। मीन्स इसमें आपकी रैशनल थिंकिंग वर्क नहीं करती। मीन्स आपका जो माइंड है ना, आपका प्रैक्टिकल माइंड या आपका लॉजिक वर्क नहीं करता। कई बार ऐसा होता है यार कि मुझे पता है ये चीज़ गलत है, इससे मुझे नुकसान हो रहा, फिर भी मेरा मन मुझे ये काम करने के लिए कह रहा है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये चीज़ सही है, मुझे ये काम करना चाहिए। भले ही वो हमें लॉस की तरफ ले जा रहा, बट मन कह रहा है कि यार ये चीज़ सही है एक अंदर से। दैट इज़ योर इंट्यूशन। बट याद रखना, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग। कि कोई अच्छी सी चीज़ देख ली यार, अब इसको खा ले, दैट इज़ टेम्पटेशन, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट एक अंदर से, जो अंदर से कोई चीज़ आपको गाइड करती है ना, वो इंट्यूशन कहलाता। इसको याद रखने के लिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। आपने ट्यूशन वर्ड सुना है? उसमें क्या रहता है? उसमें मेंटोरशिप रहती है, ठीक है? आपको कोई इंसान, कोई आपका गार्डियन रहता है, जो आपको कोई चीज गाइड करता है। ट्यूशन, इंट्यूशन आपको अंदर से कोई चीज गाइड करती है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच। लव एंड रिस्पेक्ट।